दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया रीजन बताने वाला हूँ जिसके बाद आप मेरे से डेफिनेटली एग्री जरूर करेंगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 में पोपट लाल की शादी करवा ही देनी चाहिए उसी में तारक मेहता शो मेकर्स की भलाई है तो guys, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो बेसिकली दोस्तों आपने जो अभी नई स्टोरी देखी होगी वैसे तो यार हमको पता था दो हजार में पोपट लाल की शादी की स्टोरी हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों दोस्तों जो अभी करंट स्टोरी स्टार्ट हुई है है जिसमें हमें पोपट लाल के घर पर एक दुल्हन देखने को मिलती है। अब दोस्तों, ये एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद नाइनटी लोगों को पता था कि पोपट लाल की शादी नहीं हुई है ये किसी और की दुल्हन होगी मतलब अब दोस्तों बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि भाई ये पोपट लाल की शादी नहीं होगी और ये तो बहुत ही आसान था गेस करना कि वो और किसी की है, किसी की दुल्हन किसी किसी दोस्त या जान पहचान वाले की मतलब इतना इजी हो गया हर बच्चा बच्चा बता सकता है कि भाई तारक मेहता शो मेकर पोपट लाल की शादी करवाने ही नहीं वाले तो फायदा ही क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाओगे भाई इस बार तो हो जाएगी पोपट लाल की शादी अब दोस्तों यहाँ पर ना तारक मेहता मेकर्स को ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए पोपट लाल की शादी करवा देनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पोपट लाल की शादी अगर हो जाएगी ना उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन सकती हैं पोपट लाल की मैरिड लाइफ के ऊपर क्योंकि दोस्तों पहले ये दिखाया जाता था कि पोपट लाल शादी ना होने की वजह से परेशान है और अब ये दिखाया जाएगा कि पोपट लाल शादी होने की वजह से परेशान है तो वही सोच सकते हो कि यार मेकर्स को तब भी कोई स्टोरीज की कमी नहीं होने वाली तो जी हाँ दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि 2021 में तारिक मेहता शो मेकर पोपट लाल की शादी करवा देनी चाहिए नहीं तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइमलाल की शादी वाली स्टोरी कोई देखेगा ही नहीं अभी तो तो फिर भी लोगों में इंटरेस्ट रहता है तो दोस्तों आप मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दो तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में